एनिमल ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा होती क्या है, देखो एनिमल ब्रीडिंग नाम जैसा आपको बता रहा है, एनिमल ब्रीडिंग एनिमल्स की ब्रीडिंग मींस इनका क्रॉस करवाना एनिमल्स का आपस में, और क्रॉस करवा कर उनकी जो क्वालिटी है एनिमल्स की, ठीक है, उनको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, वो जीनो टाइप उनको इंप्रूव करना। ठीक, डिफरेंट एनिमल्स पाले जाते हैं हमारे, जो क्या है, मुर्गियां हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, बकरी है, घोड़े हैं, इन सबको पाला जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम घोड़ों पे बात करते हैं तो घोड़े मेनली स्पोर्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, बैल जो कार्ट होता है उसको खींचने के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट नीड, उसकी जरूरत के हिसाब से क्या हम ब्रीडिंग करवाते हैं, वैसे ही बुल्स के साथ है, ठीक है, वैसे ही काउस के साथ है, तो उन सबके साथ के मतलब अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के अनुसार हम क्या करते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं एज पर अवर नीड्स, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या है ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे एनिमल ब्रीडिंग के अंदर जो ब्रीड जो वर्ड है, ब्रीड सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ब्रीड है क्या चीज। ठीक है, आगे जो बात बातें समझेंगे हम, तो ब्रीड है क्या चीज। ब्रीड बेसिकली बात करें तो ये एक प्रकार का ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं विच आर रिलेटेड बाय डिसेंट्स, ठीक है, उनके पूर्वज से जुड़े हुए होते हैं, पूर्वज से चले आ रहे हैं ये, और इनकी जो विशेषताएं हैं, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि अगर तीन चार अगर हम गाय भैंसों की बात करते हैं तो ये कह दे आर द डिसेंट ऑफ देयर, ठीक है, डिसेंट ऑफ देयर फैमिलीज मेंबर्स, इनके इनके जो पूर्वज थे उनके ही डिसेंट है, और ये आपस में क्या करते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपस में बहुत आम तौर पर बहुत ज्यादा क्या है सिमिलर है, एक जैसी है। ठीक है, जनरल अपीयरेंस की बात करें, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके जो फीचर्स हैं वो एक जैसी है, इनका साइज भी क्या है बिल्कुल एक जैसा है, और इनकी कंफिग्रेशन है ये भी क्या है एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये, अरे ये मंदीप कौन है, ठीक है भाई, तो ब्रीड क्या है बेटा, ब्रीड इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाई डिसेंट्स एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज एंड कंफिग्रेशन आर सेड टू बी द बिलोंग टू ए ब्रीड, उसे ब्रीड कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि अगर बात करें डॉग्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका लेबरा डॉग है, जर्मन शेफर्ड है, ठीक है, ये ब्रीड्स है अलग अलग, तो इनके जितने भी मेंबर्स होंगे सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, लेब्रा डॉग के जितने मेंबर्स हैं सारे जैसे होंगे, और यहाँ जर्मन शेफर्ड की बात करें तो इनके भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ये कहलाती है ब्रीड। ठीक है, तो एनिमल ब्रीडिंग क्यों की जाती है बेटा, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स के हिसाब से हम करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रोड्यूस हम ले सकें उन एनिमल से, वेदर दे आर मिल्क यील्डिंग और फ्लैश यील्डिंग एनिमल्स। ठीक है, तो इनका जीनोटाइप को क्या सुधार किया जाता है ड्यू टू द एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है भाई, अब आती है मेन ऑब्जेक्टिव क्या एनिमल ब्रीडिंग के, हम एनिमल ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कहता है टू इंप्रूव देयर ग्रोथ रेट, उनकी ग्रोथ रेट को इंप्रूव किया जाए, सुधारा जा सके, ठीक है, जल्दी से ग्रो हो वो। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम हैंस की बात करते हैं, इनके बात मुर्गी पालन की बात करते हैं, तो इनकी ग्रोथ रेट ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी से बड़े होने चाहिए ताकि ज्यादा प्रोड्यूस हम ले सकें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क मीट एग एंड वूल। जैसे कि स्टार्टिंग के लेक्चर में उन्होंने बताया था बेटा, ये जो चैप्टर है इसमें हमने बात करी थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है हमारे विश्व की, इसकी नीड्स को पूरा किया जा सके, तो वो नीड जो उनके फूड की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मिल्क की है, मीट की है, एग की है, वूल की है, इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा पूरा किया जा सके। इसीलिए जो हमें ऐसे एनिमल्स डेवलप करने पड़ेंगे
जिनकी ईल्ड ज्यादा हो, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, चाहे मिल्की हो, चाहे मीट की हो, चाहे एनी किसी की प्रकार की हो, वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो और बढ़ती हुई जनसंख्या की जितने भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके। इसलिए क्या है, इनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज करना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है भाई, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस और टू वेरियस डिजीज, मतलब इस प्रकार की सुपीरियर क्वालिटी डेवलप की जाए जो बीमारियों से क्या हो, रेजिस्टेंस उनकी बीमारी कम से कम लगती हो। भाई जितनी कम बीमारियां होंगी एनिमल्स के अंदर उतनी ही ज्यादा उनकी ग्रोथ रेट अच्छी होगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन रेट अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो ये चीज सारी डिपेंड करती है डिजीज के ऊपर कि वो जो आपका एनिमल है वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिव लाइफ, भाई उनकी प्रोडक्टिव लाइफ है यानी कि जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक्टेशन पीरियड की बात करें, जो गाय भैंस दूध देने का जो पीरियड होता है कितने महीने वो दूध देती है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, ज्यादा समय तक क्या है वो दूध दे सके। तो ये प्रोडक्टिव लाइफ भी इंक्रीज करना एक मेन मोटो है किसका, एनिमल ब्रीडिंग का। उसके अलावा इंक्रीज और एटलीस्ट एक्सेप्टेबल रिप्रोडक्शन रेट, उनकी रिप्रोडक्शन रेट भी क्या हो, अच्छी हो, ऐसा ना हो कि भाई एक एक सीजन में बेटा दे रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, मगर नेक्स्ट सीजन में क्या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो ये भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि उनकी रिप्रोडक्शन रेट अच्छी होगी, रिप्रोडक्शन रेट अच्छी होगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा, यील्ड उनकी क्या होगी, अच्छी होगी। तो एनिमल ब्रीडिंग के लिए देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस विच आर यूज टू फॉर एनिमल ब्रीडिंग, जैसे कि इन ब्रीडिंग है, ठीक है, मेन आपकी यहाँ जो एनसीआरटी की बात करें हमारे सिलेबस में है, वो हमारा इन ब्रीडिंग है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आउट ब्रीडिंग है, ठीक है। इन ब्रीडिंग दो प्रकार की टेक्निक्स होती है, अप्रोचेस होती है बेटा, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग होती है, ठीक है। और बाकी जो ये बची हुई है आउट क्रॉसिंग या आउट क्रॉस है, क्रॉस ब्रीडिंग है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है, दे आर द टाइप्स ऑफ आउट ब्रीडिंग, ठीक है भाई। दो प्रकार के अप्रोचेस हम इस्तेमाल करते हैं इसके दौरान, कौन कौन सी है भाई, वो एक इन ब्रीडिंग है और एक हमारी कौन सी है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के फर्दर 3 टाइप्स हमारी आ जाती है, कौन कौन सी है हमारी, क्रॉस आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए इसको इनके बारे में बारी बारी जानते हैं होती क्या चीज है। देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, इन ब्रीडिंग है, इन यानी कि विद इन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, विद इन, विद इन ब्रीड्स, विद इन ब्रीड यानी कि कोई भी ब्रीड है, ठीक है, उसके आपस में ही उनका क्या कराना, क्रॉस करवाना, ठीक है, उनके आपस में मेटिंग करवानी, तो वही कहलाती है इन ब्रीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बफेलोज हैं, ठीक है, उनके जो आपके जो आने वाली जनरेशन होगी, जो प्रेजेंट होगी, उनका आपस में क्या करते हैं, मीटिंग करवा दी, फिर क्या है, ऑफस्प्रिंग आए, ऑफस्प्रिंग में दोबारा से इनब्रीडिंग करवा दी, ठीक है, आपस में मीटिंग करवा दी, उनके जो ऑफस्प्रिंग आए उनकी भी आपस में मीटिंग करवा दी। ये जो प्रोसेस है इसे ही कहते हैं इनब्रीडिंग, एक ही ब्रीड के अंदर लगातार क्या कराना बेटा, उनकी मीटिंग करवाते रहना और उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कराते रहना, यही कहलाता है आपका इनब्रीडिंग, ठीक है, एक ही ब्रीड के अंदर, ठीक है भाई। यानी कि इनब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, मेटिंग करवाएं क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, उसे कहते हैं इनब्रीडिंग। वे लगातार आने वाले 4 6 पुश्तों 3 जनरेशन तक क्या करते हैं, उनके आपस में मेटिंग कराते रहे, तो यही कहलाता है इनब्रीडिंग, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं भाई, देखो कुछ फायदे, इसमें नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले समझ लेते हैं एक बार कि होता क्या है इनब्रीडिंग के अंदर। जनरली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं सबके पास होते हैं, ठीक है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे मुर्गा हो, कुछ भी हो भाई, मतलब ये आपका कह सकते हैं मुर्गी पालन में हो, तो इनके पास क्या मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के कारण क्या होता है, हेटरोजाइगस, कैसे होते हैं, हेटरोजाइगस होते हैं। तो इसमें मेन इन ब्रीडिंग में क्या होता है टेक्निक में, इसमें फॉर एग्जांपल हम मान करते हैं बुल्स की बात कर लें, ठीक है, बफेलोज की बात कर लेते हैं, इनमें क्या होता है भाई, इनमें से इन ब्रीड के अंदर से जो सुपीरियर क्वालिटी के जो आपके जो बफेलोज हैं, सुपीरियर क्वालिटी के जो बुल्स हैं, इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है।
ठीक है भाई, एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, एक ब्रीड है, उसके अंदर मान लो 10 क्या है, बफलोज एंड बफलोज भी हैं, उसके अंदर बुल्स भी हैं। इन 10 में से कोई सुपीरियर है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है, यानी कि अगर बफलोज की बात करें तो सबसे ज्यादा मिल्क यील्डिंग वाली भैंस को हम चुन लिया। बुल्स की बात कर लें, ऐसे बुल्स को हमने चुना जिसकी रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, हाई है, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर बड़ा ही मजबूत है औरों के मुकाबले। तो और उनके अंदर क्या है, उसकी जो फिजिकल एफिशिएंसी उस बुल की, वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। इनको हमने सेलेक्ट कर लिया दोनों को, इनकी आपस में फिर मीटिंग करवाई हमने। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, इनकी आपस में फिर मीटिंग करवाई। इनसे जो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर भी हमने क्या किया, ऐसे सुपीरियर क्वालिटी की बफेलोज एंड बुल को सेलेक्ट किया और दोबारा से उनकी आपस में क्रॉस करवा दी। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, उनकी जो प्रोगेनी है, ठीक है, उनकी जो प्रोगेनी है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनके अंदर क्या होगी, मिल्क यील्डिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एज वेल एज जो आपके जो जनरल पर्पस के जो बुल्स होते हैं, यानी कि मेल अगर बफेलोज की बात करें, बुल्स की बात करें, तो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी क्या है, लगातार क्या इंप्रूव होता जाएगा, जिसके चलते वो जो आपका हार्ड वर्क है, यानी कि खेतों में जोत के लिए जाना है, कुछ दूसरा काम करवाना है, ये अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, जो बफेलोज है उनकी मिल्क की यील्डिंग इंक्रीज होती चली जाएगी लगातार, और जो मेल जो बुल्स की बात करें, इनकी भी जो क्वालिटी है, ये भी क्या है, इंक्रीज होती चली जाएगी। मगर क्या है, इसमें एक कारण ये भी है, इनकी कहने का मतलब है, इनके अंदर वो एक ही ब्रीड है भाई। जैसे कि हमने अगर पी प्लांट की बात करें, वहां पे अपने जो पढ़ा था पहले वाले चैप्टर्स के अंदर, कि टी और टी दे आर द होमोजाइगस, दे आर द होमोजाइगस, ठीक है, ये एक ब्रीड ये है पी प्लांट की, और एक ब्रीड हमारे प्लांट की ये है, जिसमें एक सारे टॉल प्लांट है, जीनोटाइप के टी टी है, और डॉर प्लांट के क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है भाई, अब इनके बीच में क्रॉसिंग होती रहेगी तो ये लगातार क्या टी और टी बनते रहेंगे, स्मॉल टी डॉर्फ बनते रहेंगे। अगर अगर हम क्रॉस करवाएं टी और टी की हेटरोजाइगस के साथ, तो ये कंडीशन है, इसको भूल जाओ आप, तो दो हेटरोजाइगस हैं, ठीक है, टी और टी, इनको आपस में क्रॉस कराओगे तो क्या निकलेगा भाई, एक टी कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये पेरेंट्स क्या थे आपके हेटरोजाइगस से, मगर यहाँ पर क्या दिखा मिला एक आपको होमोजाइगस, डबल कैपिटल टी था, होमोजाइगस देखने मिला, बाकी सारे क्या हेटरोजाइगस। फर्दर इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, टी और टी कैपिटल टी फिर आ गया हमारे पास, और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टी टी, एक टी टी हमारा ये आएगा, और एक हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप देख सकते हो भाई, F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास क्या था, एक होमोजाइगस टॉल प्लांट था, मगर F2 जनरेशन के अंदर क्या देखने को मिला भाई, हमें दो होमोजाइगस टॉल प्लांट हमें देखने को मिले। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पर, कि इन ब्रीडिंग क्या करती है बेटा, इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी, क्या करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है, होमोजाइगोसिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके अलावा जो इन ब्रीडिंग होती है, इट आल्सो एक्सपोज द हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। ठीक है, मान लो कोई ऐसा जीन है जो हार्मफुल डिजीज के रिस्पॉन्सिबल है एनिमल्स के अंदर, अगर लगातार हम सेम ब्रीड के अंदर क्रॉस करवाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस रिसेसिव जीन के दोनों एलील के एक साथ इकट्ठे प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसके चलते वो जो कंडीशन होगी, जो सिचुएशन होगी, हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन रेट तो घटे घटेगी, साथ में उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी घट सकता है। ठीक है, तो होमोजाइगोसिटी के कारण एक तो हमारा ये हो गया, इन ब्रीडिंग इन एज अ रूल क्या करता है, इट इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है। मगर होमोजाइगोसिटी के साथ साथ एक प्रॉब्लम और निकल कर आती है, वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, वो है कि हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को भी एक्सपोज कर देता है होमोजाइगो, ये होमोजाइगोसिटी कंडीशन। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई जीन हो सकता है, डिजीज का हो सकता है भाई, कोई
आपकी कह सकते हैं हम जो इनहेरिटेड डिजीज है जो ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर, और वो हार्मफुल है एनिमल्स के लिए, वो किसी भी जनरेशन में क्या है डेवलप हो सकती है, जो कि हानिकारक है, ठीक है। मगर इसका एक फायदा ये है कि इस रिसेसिव जीन्स अगर अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो उसको हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सिलेक्शन, सेलेक्ट कर कर उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा बेटा ये, ठीक है, कि इन ब्रीडिंग जो आपकी जो इन ब्रीडिंग है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कई बार ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इन ब्रीडिंग से क्या होता है, बेसिकली होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेटरोजाइगोसिटी बढ़ती है, ये क्या बढ़ती है, दोनों बढ़ती है या नॉन ऑब्वियस हो सकता है, ठीक है। तो मेन जो आपका जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है इन ब्रीडिंग की वो क्या है, ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था भाई, ये हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को एक्सपोज करता है और जिसको हम बाद में चल के एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फायदा भी इसके अंदर है भाई ये, कि लगातार हम क्या कर रहे हैं बेटा, इन ब्रीडिंग करवा रहे हैं जिसके चलते जो सुपीरियर जीन्स हैं इनका एक्यूमुलेशन, यानी कि सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जाती है। इसका एक फायदा ये भी था, नुकसान है तो फायदा भी इसका है, ठीक है। जिसके चलते हम क्या करेंगे, जो एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स, ठीक है, इसके चलते तो क्या होगा, जो लेस डिजायरेबल जीन है जिनके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है भाई। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन, जो इनब्रीड जो इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, जिस ब्रीड के अंदर हम क्या करा रहे हैं बेटा, मेटिंग करवा रहे हैं, उनकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है भाई। अब आती है जैसे कि बात करी थी इनब्रीडिंग की, इसमें हार्मफुल रिसेसिव जीन्स भी एक्सपोज हो जाते हैं, मगर एक इसका एक ड्रॉबैक और भी है कि लगातार इनब्रीडिंग करवाने से क्या होगा, उनकी जो फर्टिलिटी और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, आमतौर पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन बनती है हमारे यहाँ से कि ड्यू टू क्लोज इनब्रीडिंग देयर इज रिड्यूस रिडक्शन इन द फर्टिलिटी एंड एंड प्रोडक्टिविटी। छोटी सी डेफिनेशन है, लगातार इनब्रीडिंग के कारण क्या होगा, उनकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, जिसे कहते हैं हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है, ठीक है। लगातार इनब्रीडिंग करवाने से क्या होगा, उनकी फर्टिलिटी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मगर इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है बाई मेटिंग द सच ए पॉपुलेशन विद द सुपीरियर एनिमल्स, तो जिनकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बफेलो है भाई, जिसकी लगातार इनब्रीडिंग के कारण क्या होगी, उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो गई। अब हमने क्या किया, उस बेफेलो को हमने मेट करवा दिया किसके साथ, एक सुपीरियर क्वालिटी के बुल के साथ, ठीक है भाई। जिसके चलते जो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो क्रिएट हुई थी इसको हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक कर दिया। अब उसकी जो आने वाली जनरेशन होंगी उनकी जो फर्टिलिटी की जो रेट है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी की जो रेट है वो इंक्रीज हमारी इंक्रीज कर जाएगी, क्लियर है भाई। यानी कि ऐसे एनिमल्स के क्या करेंगे हम, जिनके अंदर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम सुपीरियर जो क्वालिटी ऑफ जो ब्रीड है उसके साथ क्रॉस करवाते हैं, जिसके चलते ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की जो समस्या है इसका समाधान हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, आउटब्रीडिंग के बारे में। आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है, आउट मतलब वहां पर इन था, यहां पर क्या हुआ, आउट ऑफ द ब्रीड, उस ब्रीड से बाहर हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। वो सेम ब्रीड के अंदर भी हो सकती है, वो डिफरेंट ब्रीड्स के अंदर भी हो सकती है। जनरली आउट ब्रीडिंग को हम क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रीड के साथ क्रॉस करवाया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, उस ब्रीड से अलग ब्रीड के साथ क्रॉस करवाया जाता है। स्पीसीज वही होगी मगर उसकी ब्रीड क्या होगी, अलग होगी, ठीक है भाई। आउटब्रीडिंग समझ में आया क्या होती है, आउटब्रीडिंग का मतलब है उस ब्रीड से अलग ब्रीड के साथ उसका क्रॉस करवाया जाएगा। वो विदिन ब्रीड भी हो सकती है,
और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, विद इन ब्रीड के अंदर जो क्रॉस करवाया जाएगा तो उनके जो आपके एंसेस्टर हैं वो सेम नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, मान लो भाई एक बफेलो हमारे पास है B1, दूसरी B2 हमारे पास बुल है, कि आपस में हम ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है, ब्रीड आपकी सेम है, दोनों ब्रीड सेम आपकी, मगर इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, वो कहलाएगी आपकी आउट ब्रीडिंग। या फिर क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड के साथ हम क्या करवाएंगे, उनकी मेटिंग करवाएंगे, जिसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। या फिर दूसरी स्पीसीज के साथ करवाएंगे, उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? अगर सेम ब्रीड में करवाते हो तो उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं होने चाहिए, तो कहलाएगी आउट ब्रीडिंग। ठीक है, अगर हम डिफरेंट ब्रीड के साथ करवाते हैं वो कहलाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। अगर दो अलग अलग स्पीसीज ही हैं उनके बीच में करवाते हैं तो वो कहलाती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, एक मुर्रम जो नस्ल की जो भैंस होती है या कोई बुल है उसका क्रॉस करवाते हैं दूसरी नस्ल की बफेलो के साथ, वो कहलाएगी आपकी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, तो तीन प्रकार की होगी हमारी, कौन कौन सी होगी भाई हमारी, आपका है हो गया क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, हमारे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और एक हमारी कौन सी होगी, आउट ब्रीडिंग होगी। ठीक है, तो पहला हमारा आउट क्रॉसिंग की बात करें, आउट क्रॉसिंग क्या होता है? ठीक है, आउट क्रॉसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, उसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग का पहला जो हमारा टाइप है आउट क्रॉसिंग है बेटा, जैसे कि मैंने बताया था कि दो सेम ब्रीड के दो अलग अलग एनिमल्स का आपस में मीटिंग करवाना, मगर कंडीशन क्या रहेगी, उनके जो एंसेस्टर है कॉमन नहीं होना चाहिए पहले वाली 4-6 पीढ़ी तक। तो जो मीटिंग करवाने वाले जो एनिमल्स हैं, इससे ऊपर वाले 4-6 पीढ़ी हैं, इनके अंदर क्या कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो आउट ब्रीडिंग होती है उसे हम कहते हैं आउट क्रॉसिंग। और जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मेटिंग, उन्हें कहते हैं हम आउट क्रॉस। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प्स टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे कि हम लास्ट में बात किया था कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ एनिमल्स के साथ उनकी क्या करते हैं, मेटिंग करवाते हैं। वो आपका सेम ब्रीड का भी हो सकता है, वो डिफरेंट ब्रीड का भी हो सकता है, इसके चलते हम क्या करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है भाई, इसके अंदर जो सुपीरियर मेल्स होते हैं एक ब्रीड के आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। सेम इनब्रीडिंग जैसा ही है, मगर यहाँ पर क्या है, वहां पर भी हमने क्या किया था, सुपीरियर मेल फीमेल को सेलेक्ट किया, वहां पर सेलेक्टिव सिलेक्शन हो रही थी हमारी एक ही ब्रीड के अंदर, मगर यहाँ पर क्या करें, सिलेक्शन करेंगे और उसका क्रॉस करवाएंगे दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में, उसे कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है भाई, ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो हम आर्टिफिशियल सिलेक्ट करते हैं अलग अलग ब्रीड्स को, और जो जिस क्वालिटी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, जिस क्वालिटी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग, एक में क्या है भाई, मान लो एक की ग्रोथ रेट अच्छी है, दूसरे की क्या है लैक्टेशन पे अलग बड़ी अच्छी है, तो दोनों दोनों ब्रीड अलग अलग है, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया, और उसके जो प्रोजेनी जो आएगी, उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उन्हें कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं भाई? हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं भाई हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है हिसार डेल। हिसार डेल एक ब्रीड है शीप की, जिसको बनाया गया था क्रॉस करवा के बिटवीन ए बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स की वूल यील्डिंग कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है भाई, बड़ी अच्छी है, और बीकानेरी जो ईव्स हैं इसका डी है डिजीज रेजिस्टेंट है भाई। सॉरी। ठीक है, बीकानेरी ईव्स की क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, और इसकी जो मेरिनो रैम्स की बात करें तो इसकी वूल यील्डिंग कैपेसिटी बड़ी जबरदस्त है, मगर दोनों ही ब्रीड के अलग अलग हैं, इनको आपस में क्रॉस करवा के क्या बनाया गया, हिसार डेल एक प्रजाति तैयार की गई, एक ब्रीड तैयार की गई जिसके पास कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, साथ ही साथ है उसकी वूल यील्डिंग क्या है कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा थी।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, इसको स्टार बना रहे हैं यहाँ पर हम, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कि हिसार डेल एक क्रॉस आउट क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा तैयार की गई एक न्यू ब्रीड है शेर की, जिसको पंजाब में डेवलप किया गया था बाई क्रॉसिंग बिटवीन द बीकानेरी एज एंड मेरिनो रेंस। ठीक है भाई, आपका आउट क्रॉसिंग के बारे में। अब आती है बात किसकी, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, मीटिंग। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर। हाँ मुझे लगा सिर्फ सो गए, सो तो नहीं गए सारे सारे। ठीक है, बात ये इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है भाई। तो इन ब्रीडिंग में एक तो डेफिनेशन होगी हमारी, क्लोजली रिलेटेड जो एनिमल इंडिविजुअल होते हैं आपस में मेट करवाते हैं फॉर 4 to 6 जनरेशन, वहां पर क्या होती है भाई, उसके अंदर हमारा क्या होगा, जो ब्रीडिंग होती है वहां पर अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच ब्रीडिंग करवाई जाती है जिनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनको इन ब्रीडिंग में सेकंड पॉइंट हमारे क्या है, इनको इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप। जैसे कि वहां पर क्या था, क्रॉस ब्रीडिंग थी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन था, आउट क्रॉसिंग थी, इसको फर्दर टाइप से डिवाइडेड नहीं कर सकते। ठीक है, और आउट ब्रीडिंग में क्या हुआ, इट इंक्लूड्स आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मेटिंग इज बिटवीन सेम स्पीसीज बीच मेटिंग होती है, मगर यहाँ पर क्या होती है, मेटिंग कैन बी बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज के साथ भी यहाँ पर मेटिंग करवाई जा सकती है इन आउट ब्रीडिंग। ये तो हो गया हमारे किसके बारे में, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। अब आती है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि दो ऐसा एक एनुअल ब्रीडिंग का जो अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या करवाते हैं भाई, ब्रीडिंग करवाते हैं, मेटिंग करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल घोड़ो और इसके बीच में भाई मेल डोंकी के बीच में क्रॉस करवा दिया हमने। ठीक है, जैसे कि फीमेल हॉर्स मेयर और मेल जो डोंकी, इसके बीच में क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या मिला, म्यूल हमें मिला, खच्चर हमें मिला, जो खच्चर कहते हैं ना, खच्चर। खच्चर की बात करें, खच्चर की जो एबिलिटी होती है फिजिकल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द हॉर्सेस और डोंकी बहुत ज्यादा होती है, मगर बेसिकली दे आर स्टेराइल, वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो म्यूल को तैयार किया गया था उनके किसके लिए, उनकी फिजिक बड़ी अच्छी थी, उनको हार्ड वर्क करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा थी म्यूल्स के अंदर एज कंपेयर टू द डोंकी। जो डोंकी, तो डोंकी होते हैं इनसे ज्यादा क्या होती है, इनकी फिजिकल एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये कहलाती है आपकी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आती बात किसमें, नेक्स्ट हमारी आती है सुपर ओवोल्यूशन। सुपर ओवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं भाई, MOET के नाम से जानते हैं, हमारे NCERT में दे रखा है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसकी क्या आ सकती है बेटा, फुल फॉर्म भी आ सकती है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली होता क्या, सुन लो कान से, बाकी पढ़ लेना इसके अंदर है क्या। इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, जब किसी भी ऐसी पर्टिकुलर एनिमल को सेलेक्ट करते हैं जिसकी क्या होती है, जो सुपर सुपीरियर जो फीमेल है उसको सेलेक्ट किया हमने, और जनरली होता क्या है भाई, एक बारी में एक ओवरी से क्या होता है, एक ही एग रिलीज होता है। इस टेक्निक में क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स लाइक FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, जैसे हॉर्मोन्स की मदद से क्या करते हैं, हमें उनकी अंदर ओवुलेशन को बढ़ा देते हैं, यानी कि एक ही समय पर एक से ज्यादा जो फॉलिकल्स हैं वो डिवेलप करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, और एक से ज्यादा फॉलिकल डिवेलप करेंगे, एक से ज्यादा एग वो सुपर, ये सुपीरियर फीमेल है वो प्रोड्यूस करेगी, एक ही समय पर एक से ज्यादा 4 से 10 या 4 से 6 एग क्या होंगे आपके प्रोड्यूस करेगी। इसे कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन, एक से ज्यादा ओवम को या एग को प्रोड्यूस करवाना एक ही समय पर, वही कहलाती है सुपर ओव्यूलेशन। और ये किसकी मदद से की जाती है बेटा, ये की जाती है हॉर्मोन्स की मदद से, लाइक FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, जैसे हॉर्मोन्स की मदद से क्या किया जाता है, एक से ज्यादा एग को प्रोड्यूस कराया जाता है। इसके बाद क्या आता है,
के बाद इन जो एग्स प्रोड्यूस हुए थे, इन एग्स को क्या कहता है, फर्टिलाइज करवाया था विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद के द्वारा इन एग्स को फर्टिलाइज करवाया जाता है। अभी मान लो 6 एग बन गए, 6 के 6 क्या हो गए, फर्टिलाइज कर गए, दे फॉर्म द एम्ब्रियो। भाई फर्टिलाइजेशन करने का तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। अब इन एम्ब्रियोज को उस जो मदर है, जो जिसके मदर जिसके अंदर क्या है, ये एम्ब्रियो डेवलप किए हैं, वहां से निकाल कर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर के अंदर। ठीक है, सरोगेट मदर के, यानी कि ऐसी मदर जो क्या करेगी, फदर जिसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट उसके यूट्रस के अंदर होगा, उसे कहते हैं सरोगेट मदर। सुपीरियर फीमेल को लिया हमने, सुपर ओवुलेशन करवाई विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, और वहां पर क्या, ड्यू टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वहां पर हमने उनको एग्स का फर्टिलाइजेशन करवाया, तो वहां से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी सर्जिकल मेथड किए, वहां से हमने एम्ब्रियो को निकाला और उस दूसरी जो मदर है, दूसरी जो काउ बफेलो कुछ भी है, उसकी अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। और फर्दर डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो की होगी उस मदर के अंदर होगी, इसे कहते हैं सरोगेट मदर, कहते हैं कैरियर काउ कहते हैं। ठीक है, यही टेक्निक कहलाती है आपकी मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो, क्या है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यानी कि ओवुलेशन ज्यादा करवाएंगे और उसे फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वहां से एम्ब्रियो निकालेंगे और दूसरी जो एनिमल है उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यही कहलाती है आपकी MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अगर हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो उसको हम क्या स्टोर कर देते हैं एट ए -196 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसको डीप फ्रीज कर देते हैं, तो उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और आगे चलकर जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उन एम्ब्रियोज का हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, MOET क्या होती है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे आज के टॉपिक की, आने वाले टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो MOET को बार बार जोर दे रहा हूँ, MOET इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में डिफरेंस, और उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है इन ब्रीडिंग की, वो क्या है, 3-4 पॉइंट थे, उनको याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, यानी कि सुपर ओवुलेशन क्या होती है, इसके बारे में के नोट लिखना आता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है, और हिसार डेल जो एग्जाम्पल दे रखा था, यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, हिसार डेल जो अपनी सुपीरियर ब्रीड बनाई गई थी शीप की, वो किसके क्रॉस के बीच में बनाई गई थी, ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो हमारा आज का टॉपिक के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, कल तो आपका लेक्चर होगा नहीं, संडे है, तो मंडे को हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। आपका जो आज का जो काम है वो यही रहेगा, पहले ही भेज चुका हूँ मैं। ठीक है, एनुअल ब्रीडिंग के बारे में इसको पढ़ना है, NCERT को पढ़ना है, NCERT के ये टॉपिक पढ़ना है, पढ़ के आपको वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट को फाइंड आउट करके निकालना है और उसको राइट डाउन करना भाई। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही, मैं मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ बेटा। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।